कच्छ गणों को मिलती और से एक और अनोखा वाद्य जैसे कि बांसुरी होती है एक बजाई जाती है, हमारे ऐसे कलाकार हैं जो एक के साथ दो बजाएंगे इनको पहचाना जाता है जोड़िया पावा के नाम से। ये वाद्य एक ऐसा है सिंध कच्छ और राजस्थान में बजाया जाता हुआ वाद्य जोड़िया पावा। और एक ये वाद्य अनोखा वाद्य, इन वाद्य को पहचाना जाता है आराधी संतार। हमारे शास्त्रीय संगीत में बजाया जाता है वो वाद्य जिसे हम कहते हैं सितार, लेकिन सितार से थोड़ा सा अलग। आराधी, आराधी का मतलब होता है भगवान की आराधना करना। धीरे धीरे नौ तार में हो गया, पहले जमाने में केवल एक तार से बजाया जाता था, उनको कहते थे हम एक तार हो। फिर दो तार उनको बोला जाता था राम सागर। इनके बाद पांच तार उसे कहते हैं तंदूरा। इनके बाद सात तार वाला इसे हम कहते हैं संतार। भगवान की आराधना में जिनका उपयोग होता है इन वाद्य को पहचाना जाता है आराधी लोक वाद्य संतार। एक ऐसा ही वाद्य जो हमारे भजनों में कीर्तन में बजाया जाता हुआ वाद्य ढोलक, हम सब जानते हैं। ऐसा ही एक अनोखा वाद्य, इन वाद्य को पहचाना जाता है हारमोनियम। यह हमारे कच्छ की परंपरा और हमारे कच्छ में बजाए जाते हुए कच्छ के कुछ लोक वाद्य, तो हमारी जो परंपरा है कच्छ में गाए जाते हुए कच्छी सिंधी राजस्थानी यहाँ से हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे कच्छ की कुछ लैंग्वेज कुछ भाषा ऐसी है शायद आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन लय ताल जहां जहां आपको बजाए वहां ताली भी बजाएगा। कलाकार है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कलाकार केवल एक ही भाषा समझ में पाता है, वो भाषा है आपकी तालियों की। जहां जहां आपको अच्छा लगे वहां तालियां बजाए। इसलिए एक शायर लिखते हैं कि कलाकार कभी मरते नहीं उसे दफना दिया जाता है, कलाकार कभी मरते नहीं उसे दफना दिया जाता है, उसकी कब्र खोल के देखो तो हर घड़ी हर पल आपकी तालियों की इंतजार में पाया जाता है।